हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिचार्ज मैनर। आज मैं आपके लिए फिर से एक बार एक स्टिचिंग का वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे हमारे पास पुरानी साड़ियां पड़ी होती हैं, उनको हम पहनते नहीं हैं, तो सोचते हैं इनका कैसे इस्तेमाल किया जाए, उनका रीयूज कैसे किया जाए। तो मेरे पास भी एक पुरानी साड़ी पड़ी हुई थी, जॉर्जेट की बांधनी प्रिंट की साड़ी थी। तो उसमें जरा जरा से कहीं कहीं पर कट्स लग गए थे, उसको मैं पहन नहीं पा रही थी और मुझे वो साड़ी बहुत पसंद थी। तो मैंने सोचा उसका कुछ रीयूज करती हूँ। तो मैंने उसका कुर्ता और पैंट का सेट बनाने का सोचा है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बट इसमें मैं आपको कोई मेजरमेंट वगैरह नहीं बताऊंगी, मेजरमेंट आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि साड़ी को आप रीयूज करेंगे तो इसकी डिजाइनिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए फिर तैयार करते हैं हम अपनी पुरानी साड़ी से एक नया सूट। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो ये रही फ्रेंड्स मेरी साड़ी, जो जॉर्जेट की साड़ी मैंने आपको बताया था। ये उसका आंचल का पार्ट है और ये बॉर्डर है, साथ में इसके थोड़ा सा जरी का बॉर्डर भी दे रखा है। तो ये चूंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हल्के से इसमें कट्स लग गए हैं, अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ, तो इस वजह से मैं इसका जो है आपको मेजरमेंट वगैरह नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे चेक करना पड़ेगा कहाँ से मैं इसका कपड़ा निकाल सकती हूँ। तो फिर मैं इसको चेक करूंगी कि जहां भी कपड़ा मुझे सही दिखता है। ये देखिए, ये कट्स जो आपको दिख रहे होंगे, काफी दिन अगर आप जॉर्जेट का कपड़ा रखते हैं तो इसी तरीके से कट जाता है। तो मैं देख लेती हूँ कहाँ से मैं कपड़ा साफ निकाल सकती हूँ इसमें से। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने फ्रंट एंड बैक दोनों साड़ी में से पार्ट काट लिए हैं और साथ में लाइनिंग भी काट ली है, और लाइनिंग को साड़ी के कपड़े के साथ चारों तरफ से और बीच में से भी अटैच कर लिया है। इसमें मैंने बॉर्डर का पार्ट इंक्लूड नहीं किया है। तो चलिए अब हम कपड़े की, कुर्ते की डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं। तो जो फ्रंट पार्ट हमारा कुर्ते का होगा उसे हम लेंगे, क्योंकि डिजाइनिंग हम इसी पार्ट में करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास दो आइडियाज हैं। तो ये जो बॉर्डर का पार्ट है, पहला डिजाइन, तो ये मैंने सोचा है कि इसके पूरे मिडल पार्ट में स्टार्टिंग से लेके नीचे तक इसको हम लगाएंगे, जो स्क्वायर्स वाला बॉर्डर पार्ट है, और साइड में हम गोल्डन पार्ट रखेंगे इस तरह से। ये साइड में, एक साइड में गोल्डन बॉर्डर आ जाएगा, एक तो इसके साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरी साइड हम अलग से कटिंग करके ले लेंगे और उसको इधर अटैच कर देंगे। तो ऊपर से नीचे तक हम पूरा इसको स्टिच करेंगे इसी तरीके से, और इस तरह से एक डिजाइन बनाएंगे। ये देखिए, जैसे कि एक बॉर्डर के साथ तो एक गोल्डन पार्ट जुड़ा हुआ है, तो हम इसको हल्का सा मोड़ते हुए इसको ऐसे ही स्टिच कर लेंगे, और दूसरा पार्ट हम इस तरीके से मोड़कर इसके ऊपर रखते हुए इसको स्टिच कर देंगे बीच में। और दूसरा डिजाइन ये मैंने सोचा है कि जो गोल्डन पट्टियां हैं इनको मिडल में रखूंगी, साइड में ना रखकर, और ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट है बॉर्डर का, इसको साइड में लगाकर उसके किनारे गोल्डन कपड़े की पतली सी पाइपिंग लगाएंगे हम इस तरह से। तो ये लुक आएगा इस तरह से। ये किनारे मैंने गोल्डन कपड़े की पाइपिंग लगा दी है, और इसी तरीके से दूसरी साइड में भी हम इसको अटैच करेंगे। तो ये मैं सेकेंड वाला डिजाइन यहां पर बना रही हूं अपने कुर्ते में, क्योंकि मुझे ये वाला ज्यादा पसंद आया है। मिडल से बिल्कुल सटाते हुए हमें दोनों बॉर्डर्स की स्टिचिंग करनी है इस तरह से। तो ये अंदर के साइड से मैंने दोनों बॉर्डर अटैच कर दिए हैं, अभी बाहर का साइड इसका ओपन है। अब दोनों साइड में हम इस तरह ये रेक्टेंगुलर डिजाइन की बॉर्डर की पट्टियां रखते हुए इसको अटैच करेंगे इस तरह से। तो ये मैंने गोल्डन बॉर्डर के साथ अंदर का पार्ट इसका अटैच कर दिया है। अब इसके बाद बाहरी पार्ट में मैं ये एक इंच की गोल्डन कपड़े की पट्टी ले रही हूँ, और इसको बीच में से मोड़ते हुए इसकी पतली सी पाइपिंग इसके साइड में दूंगी। अगर आपको ऐसे आसान लगता है तो आप इसके साथ अटैच कर दीजिए, वरना पहले आप कपड़े के साथ गोल्डन पाइपिंग को जोड़ लीजिए, उसके बाद मेन कपड़े के साथ इसको स्टिच कर दीजिए। तो ये मैंने स्टिच करके बॉर्डर तैयार कर लिया है। अब इसके बाद मैं गले की कटिंग करूंगी कुर्ते में। तो जो भी मेजरमेंट हो आपका गले का, आप उसको ले लीजिए, और बस इतना याद रखिए कि हमें गले की कटिंग करनी है जब हम बॉर्डर को मेन कपड़े के साथ अटैच कर देंगे, नहीं तो बॉर्डर उतना नीट एंड क्लीन नहीं बन पाएगा। इसी की तरह से पीछे का जो पार्ट है उसमें भी गले को हम कटिंग कर लेंगे।
तो गले की कटिंग मैंने कर ली है। अब ये जो मेरे पास पेपर है मेरा मेजरिंग पेपर, इसको मैं इस कपड़े के ऊपर रखूंगी और इसके हिसाब से मैं मार्किंग कर लूंगी कपड़े पर, जिससे कि मैं फिटिंग के हिसाब से इसमें सिलाई कर सकूं। एक साइड में मार्किंग करने के बाद कपड़े को हम उसी तरफ फोल्ड करेंगे, जिससे कि मार्किंग दूसरी तरफ भी छप जाए। हाथ से थोड़ा सा टैप करेंगे और इसके बाद हम ऊपर से इंची टेप से नाप कर और जहाँ से हमें अपनी चाक खोलनी है वहाँ तक भी निशान लगा लेंगे। तो अब मैं काटूंगी अपना पैंट का पार्ट। तो अभी मैंने क्या सोचा है कि जो ये गोल आप डिज़ाइन देख रहे हैं गोल में, ये पार्ट मैं लूंगी अपने पैंट के नीचे के साइड में। पर अगर मैं इस तरीके से फोल्ड करके इसको स्ट्रेट में काटना चाहूंगी तो ये नीचे तो साइज में आ जाएगा पर ऊपर का साइज पतला पड़ जाएगा, चौड़ा नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या सोचा है कि मैं हाफ हाफ में इसकी कटिंग करूंगी। नीचे के पार्ट में मैं यहां से कटिंग निकालूंगी और इसके ऊपर का पार्ट जो मैं लूंगी वो इस कपड़े को मैं ऊपर लगाऊंगी। जैसे मैं आपको दिखाती हूं, ये जो मेरा कटिंग है मेजर करके पैंट की, तो इस तरीके से मैं पार्ट रखूंगी इसके और नीचे के साइड में ये वाला पार्ट लूंगी कटिंग करके स्ट्रेट में। चूंकि मेरे पास ये कपड़ा स्ट्रेचेबल है तो यहाँ पर मैं ये इसको कर सकती हूँ, पर अगर आपके पास कॉटन कपड़ा है तो आपके लिए मुश्किल होगा, ये नहीं हो पाएगा उसमें। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से यहाँ कटिंग करूंगी और ऊपर के साइड में मैं बांधनी वाला जो हल्का वाला प्रिंट है इधर वाला, इसको लगाऊंगी इस तरह से। बीच में एक जोड़ आएगा पैंट की। जैसे कि आपको पता होगा कि कटिंग चार पार्ट में होती है, दो फ्रंट और दो बैक के। और जो गोल डिजाइन नीचे लेने का मेरा मकसद था कि वो थोड़ा सा डिजाइन ऐसा लगेगा कि जैसे आपके पैंट में एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, तो पैंट का लुक थोड़ा सा डिफरेंट आएगा और अच्छा लगेगा। तो ये मैं चारों पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, दो ये फ्रंट पार्ट की है, बैक की मैं कर चुकी हूँ। और ये याद रखेंगे कि जैसा हमारे पास लूज कपड़ा है, जॉर्जेट का है, शिफॉन, जो भी हो आपके पास, तो पहले हम कटिंग लाइनिंग की करेंगे, उसके बाद लाइनिंग को मेन कपड़े के ऊपर अटैच करके और उसके बाद हम करेंगे कटिंग, नहीं तो फिर कपड़ा लाइनिंग के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसको सिक्योर कर रखा है सेफ्टी पिन से, डबल लिया है मैंने यहाँ पर कपड़ा और एक साथ दो कपड़े कट रहे हैं जिससे कि कपड़ा हिलने नहीं पाए। अब इसको बीच से अलग कर लेंगे और ये दो पार्ट मिल जाएंगे हमको। तो ये मैंने ऊपर वाला पार्ट अटैच कर दिया है, जैसे मैंने कुर्ते का पार्ट अटैच किया था इसके साथ कच्चा करके चारों ओर से। अभी मैं नीचे का जो गोल वाला डिजाइन का पार्ट है उसको कट करूंगी, तो इसको मैं एडजस्ट करूंगी इसके हिसाब से कि डिजाइनिंग इसका बिल्कुल मिडिल में आए। बाहर के साइड में इसका डिजाइन रखना है हमें, जब हम पैंट को पहने तो ये बाहर के साइड में पूरा गोले का डिजाइन आना चाहिए, उस हिसाब से हम इसको रखेंगे। ऐसा ना हो कि आप इसको अंदर के साइड में रखकर कटिंग कर दें और फिर कपड़ा हमारा खराब हो जाएगा। तो पहले देख लें कि दोनों साइड जो जुड़ने वाले बाहर के हिस्से में आने वाले हैं उनको रखिए और फिर ऐसे निशान लगा दीजिए। तो ये देखिए, मैंने कटिंग करके इसको अटैच कर दिया है लाइनिंग के साथ और कच्चा कर लिया है चारों ओर से इसको भी, और अब हम इसको दूसरे पार्ट के साथ जोड़ेंगे। तो ये रहे मेरे चारों पैंट के पार्ट, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको पहले मैं कट कर लूंगी। मैं बिल्कुल साइज का इस कपड़े को नहीं काट रही थी लाइनिंग के साथ, क्योंकि ये थोड़ा लूज कपड़ा है तो ये टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, इसलिए मैंने सोचा पहले इसको अटैच कर लूं जिससे बिल्कुल स्ट्रेट रहे और फिर मैं इसको एक्स्ट्रा पार्ट बाद में कट कर दूंगी। तो ये दोनों फ्रंट के पार्ट हैं, इनको मैं क्रॉच एरिया के साथ जोड़ूंगी। पहले ये थोड़ा सा डिजाइन साफ कर लेते हैं कट करके। तो क्रॉच एरिया पहले इसका हम एक साथ जोड़ देंगे, दोनों फ्रंट पार्ट और दोनों बैक पार्ट, यहां से इसी तरीके से इसमें बैक पार्ट में भी कर लेंगे, क्रॉच एरिया को ज्वाइन कर लेंगे यहां से। तो ये दोनों फ्रंट के और दोनों बैक के पार्ट मैंने ज्वाइन कर लिए हैं क्रॉच एरिया से। और ये आप डिज़ाइन देख रहे हैं, ये देखिए, पहले मैं ये बता दूं, ये मैंने यहाँ पर कच्चा किया था, यहाँ पर मैंने इसको भी ज्वाइंट कर लिया है, मशीन से सिल लिया है यहाँ पर ज्वाइंट को।
और जो गोल डिज़ाइन का जो पार्ट हमने कट किया था वो एक पार्ट में से आपको बैक और फ्रंट का पार्ट कट करना। ऐसा आप नहीं करें कि आप फ्रंट के दोनों पार्ट एक साइड से काट लें और बैक के दोनों पार्ट अलग साइड से काट लें, तो उससे गलत हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाहर के साइड पे स्टिच कर देंगे। यहाँ पर दोनों साइड में, बाहरी साइड में स्टिच करेंगे हम पहले। इसके बाद जो इसका मोहरी वाला पार्ट है इसको फोल्ड करेंगे, चौड़ा फोल्ड करेंगे। यहाँ पर मैं मशीन से इसको स्टिच करूँगी, इतना चौड़ा चौड़ा मैं इसको फोल्ड करूँगी साइड का सिलने के बाद। इसके बाद ये ऐसे मुड़ जाएगा। इसके बाद ऊपर का जो नेफे का एरिया है इसको हम यहाँ से ऐसे मोड़कर फोल्ड कर देंगे। तो इतना काम करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए मैंने इधर स्टिचिंग लगा दी है, ऊपर नेफे में स्टिच लगा दी है। थोड़ा सा एरिया छोड़ रखा है, यहाँ पर हम इलास्टिक डालेंगे इसलिए मैंने थोड़ा सा पार्ट छोड़ रखा है। नेफा मोड़ दिया है और ये मोहरी मोड़ दी है चौड़ी चौड़ी सी। तो अपनी लंबाई के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लीजिए और मोड़ लीजिए। अब हम इसकी इनसीम पार्ट को स्टिच करेंगे। तो पहले थोड़ा सा कटिंग कर लेते हैं एक्स्ट्रा कपड़ा, और फिर ये स्टिच कर ली है मैंने कपड़े की एक्स्ट्रा कटिंग करने के बाद। तो ये हमारी पैंट तैयार हो गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं डिज़ाइन इसका बिल्कुल साथ में आया हुआ है, जो जैसा गोल डिज़ाइन था ये बिल्कुल मैंने मैच करा के स्टिच कर दिया है। और जब हम इसको पहनेंगे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, बिल्कुल ऐसा दूर से लगता है कि यहाँ पर खूब सारी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। और इसके बाद यहाँ पर हम इलास्टिक डाल देंगे इसके अंदर और जो कच्ची सिलाई कर रखी है उसको खोल देंगे और प्रेस करके बिल्कुल ये रेडी हो चुका है हमारा पैंट। तो अब मैं अपनी स्लीव्स की कटिंग करने जा रही हूँ। मैंने डबल फोल्ड कपड़ा ले रखा है और उसके बाद इसको एक बार और फोल्ड किया है। चौड़ाई मैंने इसकी 9 इंच रखी है और लंबाई मैं इसकी लूँगी 15 इंच के करीब। तो यहाँ पर मैं 16 इंच ले रही हूँ, 1 इंच एक्स्ट्रा सीविंग अलाउंस के लिए। 3.5 इंच पे यहाँ पर निशान लगाऊंगी और 6 इंच पे नीचे के साइड में। अब इस दोनों को जोड़ देंगे, उसके बाद ये बैक का हो गया शेप और ये फ्रंट का शेप हो गया। इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे और इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये मैंने लाइनिंग कट कर ली है। अब मैं इसकी डिजाइनिंग आपको बताती हूँ मुझे कैसे करनी है। तो ये गोल्डन पट्टी मैं मिडिल में रखूंगी और जो ये बॉर्डर का पार्ट है दूसरा ये मैं नीचे साइड में करूंगी। तो बॉर्डर मैं यहाँ से कट कर लूंगी और ऊपर का प्लेन पार्ट पहले मैं लाइनिंग के साथ अटैच करूंगी। इसको भी हम चारों तरफ से कच्चा कर लेंगे पहले। तो ये मैंने चारों तरफ से इसको कच्चा कर लिया है। अब इसकी कटिंग कर देंगे साइड के कपड़े की ताकि ये परफेक्टली इसके साथ मैच हो सके लाइनिंग के साथ और कहीं से टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो। अब हम अटैच करेंगे इसके साथ बॉर्डर। तो यहां पर मैंने बॉर्डर को अटैच कर लिया है इसके नीचे के साइड से और इसके बाद मैंने यहां पर एक टॉप स्टिच भी दी है और ऊपर के साइड जैसे मैंने कुर्ते में बनाया था पतली पाइपिंग देके गोल्डन कपड़े की, तो उसको मैंने यहां पर अटैच कर दिया है। अब यहां पर मैं एक टॉप स्टिच लगाऊंगी। तो ये मैंने अटैच कर लिया है बॉर्डर को स्लीव्स के साथ और अब मैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर दूंगी दोनों पार्ट के स्लीव्स की। तो ये रहा स्लीव्स का पार्ट। अब यहाँ साइड में हम मार्क कर लेंगे जितनी हमें चौड़ाई चाहिए और यहाँ पे मार्किंग करने के बाद हम पहले साइड की स्टिचिंग कर लेंगे और उसके बाद हम इसे कुर्ते के साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये स्लीव्स हमारी तैयार हो गई हैं। अब हमें ये ध्यान देना है कि कुर्ते का फ्रंट पार्ट और स्लीव्स का फ्रंट पार्ट एक साथ मैच कराते हुए हम इसकी स्टिच करेंगे। ये देखिए कितनी साफ से स्टिचिंग इसकी हुई है एकदम नीटली, और इसको ऐसे अंदर रखते हुए और दोनों पार्ट को मैच करते हुए हम इसको गोलाई में स्टिचिंग देंगे इसकी।
और इसके बाद हम आते हैं नीचे के साइड में। यहाँ पर हम अब इसका चाक को मोड़ेंगे साइड में। तो सबसे पहले हम इसका नीचे का पार्ट मोड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा चौड़ा सा पार्ट ले रही हूँ उसको मोड़ने के लिए, लंबाई के हिसाब से जितनी आपको लंबाई रखनी हो रखिए। फिर साइड में कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा कपड़े की और फिर इसकी चाक को मोड़ेंगे जितनी चौड़ाई चाहिए। यहाँ पर मैं तुरपाई करूँगी इसकी। और इसके बाद हम गले पर आएंगे। गले पर हम 2 इंच की चौड़ी और एक पट्टी लेके और इस पर गले को हम सिल देंगे। तो ये रहा मेरा सूट का फाइनल लुक जो रेडी हो चुका है। और मेरी साड़ी को मिल गया है एक नया लुक। ये दुपट्टा जो मेरे पास आप देख रहे हैं, ये मेरे पास पहले से ही सेम कलर का था, नेट का दुपट्टा है ये। इस पे मैंने गोल्डन कलर की पतली सी लेस चारों किनारों पर लगा दी है, तो ये परफेक्टली मैच कर रहा है मेरे सूट के साथ। आपको मेरा सूट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई और भी सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे दीजिएगा। और इसी तरीके से मेरे वीडियोस देखते रहिएगा, अप्रिशिएट करिएगा और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके टाइमली। अगर आप बेल को प्रेस नहीं करते हैं तो फिर आप नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे, तो इसलिए आप बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और देखते रहिए वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।